मैं हूं आपके साथ आयुष्मा और आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। सलमान खान काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट में पेश होंगे। इस दौरान वो कोर्ट से मिली 5 साल की सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसके लिए वो राजस्थान की जोधपुर में रविवार रात को ही पहुंच गए थे। सलमान खान अपनी बहन अलवीरा खान, दोस्त बाबा सिद्दीकी और अपने वकील के साथ जोधपुर पहुंचे थे। इस मामले में जोधपुर कोर्ट ने 5 अप्रैल को सलमान खान को 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद वो जमानत पर बाहर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला और सेशन जज चंद्र कुमार संगारा 20 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में मिली सलमान खान की सजा के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करेंगे। ये मामला साल 1998 का है, जब निर्माता निर्देशक सूरज बड़जातिया की फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के लिए सलमान अपने को स्टार सैफ अली खान, तबू, नीलम, सोनाली बेंद्रे के साथ जोधपुर आए हुए थे और उन पर काला हिरण के शिकार का आरोप लगा था। जोधपुर कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी, जबकि अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव के चलते रिहा कर दिया गया था। सजा मिलने के बाद सलमान को 2 रातें जेल के अंदर बितानी पड़ी थी और 2 दिन बाद जाकर उन्हें जमानत मिली। जोधपुर की जेल में सलमान खान अब तक 4 बार जा चुके हैं। इससे पहले वो साल 1998, 2006 और 2007 में भी जेल की हवा खा चुके हैं। सलमान खान ने अब तक कुल 20 दिन जेल में बिताए हैं। इससे पहले सलमान खान को कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी थी। ये अनुमति उन्हें 25 मई से 10 जुलाई के लिए दी गई थी। इस दौरान सलमान खान का कार्यक्रम अमेरिका, कनाडा और नेपाल में फिल्मों की शूटिंग के सिलसिले में जाने का है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।